कुवैत में इलेक्ट्रिशियन जॉब में क्या काम होता है, क्या सैलरी मिलती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं एज ए फ्रेशर? कुवैत में इलेक्ट्रिशियन जॉब में क्या सैलरी मिलती है? काफ़ी सारे भाई ने क्वेश्चन किए थे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे आप अपने कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कुवैत में इलेक्ट्रिशियन जॉब में जब आप आते हो तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लियर होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। अगर आपकी 10th पास नहीं हुआ, आपके पास ECR पासपोर्ट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिशियन जॉब में कुवैत के लिए। तो यहाँ आने पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है कुवैत में एज ए इलेक्ट्रिशियन की जॉब में। फ्रेशर के काम में आते हो तो भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है कुवैत में एज ए इलेक्ट्रिशियन जॉब। साथ ही आपने अगर इंडिया में ही इससे रिलेटेड कोर्स किए हुए हैं, लाइक डिप्लोमा या कोर्स किए हुए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं, तो आप इंडिया से आते हो कुवैत में, साथ ही आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है कुवैत में। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन के काम में वायरिंग का काम आता है, रिपेयरिंग का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड सारे काम आप जानते हो, तो आप कुवैत आके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि कुवैत वैसे ही रिच कंट्री है। यहाँ का कुवैती दिनार वर्ल्ड की हाईएस्ट करेंसी है, तो आप यहाँ आके अच्छी खासी इनकम कर लेते हो कुवैत में। तो इलेक्ट्रिशियन की बात करें, अगर आप इंडिया के मुकाबले यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, साथ में आपको बेनिफिट भी कई सारे मिल जाती है। कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड, किसी किसी केस में फूड आपका रहता है, किसी किसी केस में फूड कंपनी प्रोवाइड करती थी, डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर। तो आप भी अगर आप आना चाहते हो तो कुवैत में, तो इसके लिए कुवैत आने का सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है कि या तो आपके कोई यहाँ पे रिलेटिव अगर आते हैं तो आप उनसे कह के वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो, बाकी नहीं तो आप किसी एजेंट या किसी ऑफिस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो जो आपके नज़दीक में, जिस पे आपका ट्रस्ट हो, जिस ऑफिस पे, उस ऑफिस के थ्रू आप यहाँ आके कुवैत में के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई कुवैत आके बहुत अच्छी खासी सैलरी आप ले सकते हो एज ए इलेक्ट्रिशियन जॉब में। तो फ्रेंड, कुवैत में एज ए इलेक्ट्रिशियन की जॉब में क्या सैलरी मिलती है, मेरे यहाँ स्क्रीन में एक पोस्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये 6 दिन पहले वैकेंसी आई थी कुवैत में इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए, जिसमें सैलरी देख लो, उसमें 325 की सैलरी है विथ ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन के साथ। फूड आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। 325 की इंडिया की तकरीबन 80 से 90 हज़ार के बीच की तकरीबन सैलरी है। सो देख सकते हो भाई लोग कितनी अच्छी खासी सैलरी मिल जा रही है इलेक्ट्रिशियन जॉब में। बट आपकी ये सैलरी जो है ये आपको 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद प्रोवाइड होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी आपको कंपनी इतना नहीं देगी। स्टार्टिंग सैलरी जब फ्रेशर आप आते हो तो मान के चलो आपके 130 से 160-170 तक केडी तक के नियर अबाउट आपको सैलरी मिल जाती है इंडिया के मुकाबले। अगर ड्यूटी आवर की तो 9 आवर या 10 आवर लमसम ड्यूटी रहती है आपकी, और साथ में आपका वीकली 1 डे ऑफ रहता है। अगर आप चाहो तो पार्ट टाइम साइड में इनकम भी कर सकते हो इलेक्ट्रिशियन की जॉब में, क्योंकि आपके हाथ का हुनर है, आपके टैलेंट है, तो आप बाहर भी आउटसाइड काम करके अच्छी खासी पॉकेट मनी के साथ इनकम जनरेट कर सकते हो पार्ट टाइम के रूप में। तो भाई ये थी कुवैत की स्टार्टिंग सैलरी आपकी, 130 से लेके 160 के डी तक नियर अबाउट सैलरी मिल जाती है, जो इंडिया के तकरीबन मान के चलो 40 से 50 हज़ार तक स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है आपको एज ए कुवैत में। तो बात करें, अगर आप आना चाहते हो तो किसी एजेंट या किसी ऑफिस के थ्रू इजिली अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।